नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको क्रिकेट से जुड़ी रोजाना खबरें देते रहे। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या व बल्लेबाज लोकेश राहुल का बैन खत्म कर दिया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों पर एक टीवी शो के दौरान महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में सीओए ने बैन लगा दिया था। बैन लगने के बाद दोनों खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया से वापस आना पड़ा था। दो सप्ताह के बाद प्रशासकों की कमेटी ने यह फैसला किया और तत्काल प्रभाव ने इन पर बैन खत्म कर दिया। हालांकि इस मामले से जुड़ी सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में होनी है और इसके लिए 5 फरवरी की तारीख तय की गई है। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों पर बैन हटने के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रही वनडे सीरीज के लिए जुड़ेंगे। वहीं लोकेश राहुल या तो घरेलू क्रिकेट में खेलेंगे, नहीं तो वो टीम इंडिया ए की टीम में शामिल हो सकते हैं जो इस वक्त इंग्लैंड लायंस के खिलाफ सीरीज खेल रही है। दोस्तों, यह फैसला नए न्याय मित्र PS नरसिंघा की सलाह लेने के बाद किया गया। BCCI ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि पहले की बातों को नजर में रखते हुए दोनों खिलाड़ियों पर 11 जनवरी से लगा बैन तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता है। इसके साथ ही आरोपों पर न्यायिक निर्णय लेने के लिए लोकपाल की नियुक्ति करने के मामले की सुनवाई भी होगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।